हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वेज लॉलीपॉप की रेसिपी और आप देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही टेस्टी सॉस की रेसिपी जिसे आप सिर्फ दो मिनट में बना सकते हैं तो पार्टी के लिए अगर आप बहुत ही टेस्टी स्नैक्स चाहते हैं ईजी और टेस्टी तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है इसे ज़रूर ट्राई करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू तो मैंने यहाँ पे तीन बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए थे जिनको ठंडा करके अच्छे से मैश कर लिया है आप कद्दूकस भी कर सकते हैं हाथों से मैश भी कर सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप बारीक कटी हुई प्याज आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च साथ ही में एक टमाटर ले लेंगे जिसका जो बीज है बीज वाला पार्ट वो निकाल देंगे और बाहर से बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे साथ ही में इसमें डालेंगे आधा कप के करीब ग्रेट किया हुआ गाजर और स्वीट कॉर्न डाल देंगे हम इसमें आधा कप इसको हम उबाल के डालेंगे दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और एक चम्मच डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और मसालों में डालेंगे चिली फ्लेक्स आधा चम्मच साथ ही में हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चाट मसाला और इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में डाल देंगे आधा चम्मच गर्म मसाला और आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और लास्ट में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार आप इसमें चाट मसाला की जगह पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अब बाद में हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे ब्रेड क्रम्स तो मैंने यहाँ पे आधा कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं तो एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर भी इसमें डाल सकते हैं या आप दोनों को मिक्स करके डाल सकते हैं बस इसमें बाइंडिंग अच्छे से हो जानी चाहिए तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स बच गए हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ आप एक बार चेक कर लें अगर आपको लग रहा है कि इसमें बाइंडिंग थोड़ी सी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा दो से तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर या और ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे तो किसी भी स्पून से ले लें और इसको छोटी छोटी एक ही साइज़ की सारी बॉल्स बना के हम रेडी कर लेंगे इस तरीके से घुमाएंगे और बहुत ही इजीली इसकी बॉल्स बन जाएगी आप कोई भी शेप दे सकते हैं टिक्की की शेप भी आप इसे दे सकते हैं तो बाकी सारी बॉल्स बना के हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे तो जब आप इसकी बॉल्स बनाएंगे ना तो हाथों पर हो सकता है आपके आलू भी चिपके तो बीच बीच में आप हाथों को अच्छे से वॉश कर लें तो फिर ये आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं तो ये देखिए सारी बॉल्स बना के हमने रेडी कर ली हैं अब इसे साइड में रख लेंगे अब हमें यहाँ पे चाहिए आधा कप मैदा और अब इसमें हम डाल देंगे नमक एक चौथाई चम्मच साथ ही में डाल देंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थिक बैटर रेडी करेंगे ध्यान रखें लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें जो इसका बैटर चाहिए वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए तो यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा लिया है आप चाहें तो इसमें दो से तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं तो इसको हम अच्छे से फेंटेंगे इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आप देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है मतलब बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो ये बैटर हमारा रेडी है और इसी के साथ यहाँ पे हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स तो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और जो हमने बैटर बनाया है मैदे का वो ले लेंगे और ये जो लॉलीपॉप्स के लिए हमने बॉल बनाई है ये ले लेंगे अब हम एक एक बॉल उठाएंगे और इस बैटर में टिप करेंगे और बैटर में डिप करने के बाद इस तरीके से तुरंत ही हम इसे बैटर में से निकाल लेंगे और ब्रेड क्रम के ऊपर इसको कोट करेंगे मतलब ब्रेड क्रम्स अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाना चाहिए और ध्यान रखें बैटर के अंदर हमें इस बॉल को बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है बस डिप करना है और निकालना है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट बॉल होती हैं इसमें टूट भी सकती हैं तो देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है वो हम हटा देंगे और ये सारी बॉल्स हमारी बन रेडी हैं आप देख सकते हैं अब हम इसे दस से पंद्रह मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे अब चलते हैं इसके लिए सॉस बना लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है गैस यहाँ पे अभी आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखनी है इसमें हम डालेंगे दो से तीन बड़े चम्मच सेजवान सॉस चार से पाँच बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे टमाटो कैचअप अब इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच नमक आधा चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और एक छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे चीनी अब डालेंगे पानी इसमें आधा कप या आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी इसमें डालने की जरूरत नहीं है पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे दो से तीन मिनट तक पकाएंगे आप देख सकते हैं अच्छा सा इसमें उबाल आ गया है अभी थोड़ी सी ये सॉस पतली है तो हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे मैं थोड़ा सा हमें इसे गाढ़ा करना है और इसी दौरान आप इसमें चेक कर सकते हैं नमक काली मिर्च का पाउडर या चीनी आपको कम लगती है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं आप इसमें प्लेन नमक की जगह काला नमक भी ऐड कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं अच्छा सा उबाल आ गया है और पहले से थोड़ी सी ये सॉस काढ़ी हो गई है अभी आपको थोड़ी सी ये पतली लगेगी लेकिन ठंडी होने के बाद ये ऑलरेडी गाढ़ी हो जाएगी अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये बहुत ही टेस्टी हमारी सॉस बन के रेडी है तो अभी इसे ठंडा कर लेंगे बाद में इसको ट्रांसफ़र करेंगे आधे घंटे बाद अब हम लॉलीपॉप को फ्राई करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है ध्यान रखें इसके लिए हमें ऑयल अच्छा गरम चाहिए अगर आप कम गरम तेल में इनको फ्राई करेंगे तो ये फट भी सकते हैं क्योंकि आलू हैं तो वो अंदर से फट जाएंगे इसलिए आपको अच्छे गर्म तेल में इनको फ्राई करना है जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा एक एक करके सारे बॉल्स हम इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे इनको फ्राई करने में भी आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी लगते हैं एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा सारी बॉल्स हमने इसमें डाल दी हैं और अभी हम इन्हें नहीं पलटेंगे इस तरीके से ना कढ़ाई को हल्का सा हिला लेंगे जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इन्हें पलटना शुरू करेंगे अगर आप इन्हें तुरंत ही पलट देंगे ना तो ये टूट भी सकती हैं तो अभी आप देख सकते हैं हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ है तो बहुत ही धीरे धीरे हम इनको पलटेंगे बस इसी तरीके से धीरे धीरे हम इसको पलटेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इनको फ्राई करने में बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं बस यहाँ पे आपको ऑयल अच्छा गर्म रखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं अब इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेते हैं अगर ज़्यादा देर तक इसे फ्राई करेंगे ना तो ये फट भी सकती हैं यहाँ पे एक बॉल फट भी गई है बस अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे सॉस के साथ और ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको ये बहुत पसंद आएगा तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम जल्दी ही मिलेंगे तब तक के लिए बाय